हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्यातिस हैप्पी कुकिंग। आज हम बनाएंगे हाई प्रोटीन सुपर हेल्थी डिलीशियस स्प्राउटेड मूंग की चाट। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है। चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी स्प्राउटेड मूंग की टिक्की। इसके लिए ये मैंने 1.5 कप स्प्राउटेड मूंग ले ली है। इसको मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी। ये स्प्राउट मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 हरी मिर्ची, 8 से 10 लहसुन की कलियां और सॉल्ट टू टेस्ट। और मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूंगी। मैं इसमें पानी ज़रा सा भी ऐड नहीं करूंगी। तो ये देखिए, स्प्राउट्स मैंने अच्छी तरह से बिना पानी डाले पीस लिया है। अब मैं इसे अलग से बाउल में निकाल देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के आलू को, जो मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब मैं ऐड करूंगी 1/2 टेबल स्पून किचन किंग मसाला। आप यहाँ पर धनिया जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और साथ में ही ऐड कर देती हूँ 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। और अब हम ये सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने मिक्सर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं ये सारे मिक्सर की टिक्कीज बना लेती हूँ। देखिए, हुआ ना सुपर हेल्दी मिक्सचर। ये थोड़ा सा मैंने लोहा ले लिया और इसकी मैं आप धीरे धीरे अच्छे से प्रेस करते हुए इवन साइज की टिक्की बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस साइज की टिक्की बनाई। आप कोई भी साइज की टिक्की बना सकते हो। तो ये देखिए, सारी टिक्कीज मैंने बना ली है। अब मैं इसे तवे पे सेकती हूँ। ये तवा मैंने गैस पे रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। बहुत ही थोड़ा सा तेल डालूंगी और इसे अब अच्छी तरह से इवनली सारी जगह पे स्प्रेड कर रही हूँ। और अब टिक्की में 1 by 1 प्लेस कर दूंगी तवे पर। तो ये सारी टिक्कियाँ मैंने रख दी है। अब मैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। तो ये सारी टिक्कियाँ एक साइड पे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं दूसरी साइड पे पलटा लेती हूँ। थोड़ा सा तेल लगा के सेकूंगी। ये देखिए, टिक्कीज दोनों ही साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, टिक्कीज कितनी अच्छी क्रिस्पी हुई है ना, और बहुत टेस्टी है। हेल्दी तो सुपर डुपर हेल्दी है, हाई प्रोटीन है। आप ये टिक्कीज को एज इट इज़ केचप के साथ, हरी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। मैं इसे असेंबल करती हूँ चाट फॉर्म में। ये टिक्कीज की चाट बनाने के लिए एक प्लेट में मैंने 2 टिक्की ले ली है। उसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ हरी चटनी। ये मैंने थोड़ी स्पाइसी बन रही है, तो मैं उस हिसाब से ऐड कर रही हूँ। अब मैं ऐड करूँगी दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ऐड कर रही हूँ ये मैं इमली की मीठी चटनी। और डालूंगी मैं प्याज, कटा हुआ टमाटर, बीटरूट ऐड करूंगी जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, और डालूंगी फाइनली हरा धनिया। ये मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला। अब मैं फिर से ये सारे प्रोसीजर करूंगी, मतलब जो भी मैंने चटनी डाली है, जो भी गार्निशिंग किया है, वो फिर से एक बार मैं करूंगी। हाँ,
हम ये जो गार्निशिंग दो बार करते हैं उससे ना चाट का फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से एनहांस होकर आता है। दो दो बार चटनी डालिए और जो नीचे बड़ी सी टिक्की रखी है दोनों का मतलब साथ में खाएंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं हमेशा चाट में दो ही बार गार्निश करती हूँ। तो ये लीजिए मेरी स्प्राउटेड मूंग की चाट जो बहुत डिलीशियस है और देखने में जितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना उससे खाने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है, हेल्दी भी है, लो कैलोरी। आप कैसे भी डाइट पर हो आप ये चाट गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हो। और जैसे कि आपने देखा बहुत सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत फटाफट से बन जाएगी। तो आप ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर रेसिपी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।